शिक्षा का अधिकार कानून 2009 यह कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए, साथ में स्कूल में मूलभूत सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। लेकिन रामगढ़ जिले के प्रखंड मांडू के अंतर्गत बीसा टोला में शौचालय एवं बाउंड्री जैसी सुविधाएं नहीं हैं, इस वजह से बच्चों की शिक्षा में काफ़ी परेशानियां आ रही हैं। यह समस्या हमारे समुदाय में मांडू प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी की लापरवाही के कारण मौजूद है। मैं बसंती सोरेन और ये है मेरा समुदाय। रोज स्कूल में गया? रोज स्कूल ठीक हो गया? दका रोज को दका पी गया तिकिन दका? बाथरूम में ना गया? बनो तो कहाँ से पे चला? अंते ये सब खेलो लगे मैदान ना गया? नहीं। बाउंड्री? बनो कितने टीचर हैं यहाँ पे? दो टीचर। और बच्चे? बच्चे 35। इस स्कूल में क्या क्या समस्याएं हैं? बाथरूम का, लॉन्ड्री, सब चीज़ तो ठीक है। शौचालय और बाउंड्री को लेके आप लोगों ने कभी ब्लॉक में एप्लीकेशन दिया है? दिए हैं, लेकिन अभी तक तो कोई सुविधा नहीं आया है अभी तक। नोड़ा स्कूल रेंदो चिली के नाम दो तो दा का कोने मगुई दा अच्छा पकल है ना तो पे गया चप्पल कल ना गया अच्छी कल गई चप्पल कल कौन बोले चप्पल कल दा से आरा हुआ मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि स्कूल में मूलभूत सुविधा नहीं होने के कारण बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है। मैं आप सभी वीडियो देखने वालों से अपील करती हूँ कि मांडू प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके दबाव बनाएं ताकि वे स्कूल में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कर सकें। मैं बसंती सोरेन, प्रखंड मांडू, जिला रामगढ़, झारखंड से इंडिया अनहट के लिए।